नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल पर एनडीसी दुनिया में। दोस्तों, वीडियो में हम लोग इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे आरएस वर्सेस एमसी के बीच जो दोस्तों होगा जापान क्रिकेट लीग टी20 का आज का दिन का दूसरा मैच। सेम टाइम 7 बजे पहला मैच भी स्टार्ट होगा और जिसका कवरेज मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा। दोस्तों, आपको जुड़ना है टेलीग्राम जरूर से, क्योंकि देखो जापान क्रिकेट लीग का जो पहला मैच होगा ना उसका मैं डेमो टीम टेलीग्राम पे दूंगा, उसका वीडियो लाइव है, जाके चेकआउट कर सकते हो। दिन का जो सेकेंड मैच होगा वो भी दोस्तों कवर ना हम लोग करेंगे टेलीग्राम पे। तो दोस्तों, आपको फटाफट से ज्वाइन होना है टेलीग्राम, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। लिंक में प्रेस करना है और रिडायरेक्ट हो जाना है टेलीग्राम चैनल। फटाफट आते हैं इस मैच के एनालिसिस पॉइंट में। ये ना सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पे होगा, बट वो ग्राउंड 2 है, ग्राउंड 1 में पहला मैच, ये ग्राउंड 2 होगा दोस्तों, जहाँ पे 150-160 एवरेज स्कोर है। ये मैच इंडियन टाइम 7 बजे स्टार्ट होगा। मैं ना बहुत कोई एनालिसिस करूँगा, क्योंकि इनके जो स्क्वाड होते हैं ना इतने बड़े होते हैं, और ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे टायर्ड भी लग रहा है, क्योंकि देखो 20-25 मेंबर का स्क्वाड हो रहा है इनका, एक एक टीम का, मतलब 50 प्लेयर के बारे में ना एनालिसिस करना, समझाना यार एक शॉट में बहुत मुश्किल होता है। चलो हम लोग ट्राई करते हैं, प्लीज़ लाइक करके स्टार्ट रखना है। अगले मैचेस के कवरेज के लिए टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना। नॉइस क्रिएट हो सकता है क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर से हो रहा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं चीक चीक के वीडियो बनाऊँ, बट तबीयत भी थोड़ा सा डाउन चल रहा है। आलमगीर ओपन करेगा आशिक चौधरी के साथ, रकीबुल ओपन आएंगे, फिर सनी रहमान, फिर काजी मुराद आएंगे दोस्तों बैटिंग ऑर्डर में। अगर आप देखोगे दोस्तों, मोहम्मद शिफुल इस्लाम आपको ओपन करते हुए दोस्तों विकी सेक्शन में टॉप में मिलेगा। 11 T20 मैच में 117 रन बना के रखा है बंदे ने, उतना मुझे खास पिक लगा नहीं। चाहो तो ग्रैंड लीग में यूज़ करो। उबेदा सुहान सईद भी मुझे कुछ खास लगा नहीं। इनका ओपोनेंट का जो विकी है ना वो टॉप ऑर्डर में खेलेगा, तो मैं उनके साथ जाऊंगा, ठीक है, दोनों को मैं नहीं लेने वाला। चाहो तो जीएल में यूज़ करो। काजी मुराद बॉलिंग पार्ट टाइम कराते हैं, अभी के लिए इग्नोर करेंगे। रकीबुल हसन शिमुल इनको मैं रखूँगा बैटिंग सेक्शन से। 14 T20 मैच में 37 ओवर, नंबर ऑफ ओवर्स डिसेंट है, 9 विकेट, एक मैच खेला जाए जो ड्रीम इलेवन में लिस्टेड था उसमें तो विकेट भी निकाला था। वन डे में भी दोस्तों बॉलिंग कराता है, बैटिंग से भी रन है, हम लोग अपने टीम में रखेंगे शिमुल को। सनी रहमान उतना खास मुझे पिक लगा नहीं, एवरेज कुछ खास नहीं है, बॉलिंग भी ये करेगा नहीं। रुहुल कबीर दोस्तों ये ना आपको बॉलिंग पार्ट टाइम करते हुए दिख सकते हैं और बैटिंग से थोड़े बहुत हिटिंग कर लेते हैं, नंबर ऑफ बॉलर कैलकुलेट करके चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो। ये T20 का स्टैट है डोमेस्टिक, ये वन डे का स्टैट है डोमेस्टिक, यहाँ पे रिव्यू कर सकते हो, मैं अलग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये जो बंदा है ना मस्ट पिक है आशिक चौधरी, 55 T20 मैच, 19 का एवरेज, 700 प्लस रन, 173 ओवर में 48 विकेट, ये MP मस्ट पिक प्लेयर है आपके लिए, ठीक है। मोहम्मद आलमगीर एक और मस्ट पिक प्लेयर है, जिसने T20 में 16 का एवरेज है, 66 ओवर, 22 विकेट है, वन डे में भी अच्छा खेला है, दोनों बंदा मस्ट पिक है और दोनों का रिसेंट फॉर्म भी मैं नीचे बताऊंगा। काइंडली दोस्तों फोकस करना वीडियो में। रिजवानुर कबीर 39 T20 मैच में 130 रन, 83 ओवर, 39 विकेट, वन डे में 33 मैच में 35 विकेट, वेरी रिसेंट ऑप्शन दोस्तों, बट हाँ ओवर दोस्तों ये कराएगा, बट ओवर कभी कभार कट हो जाता है T20 में। अरमान भुयान मस्ट पिक बॉलर है दोस्तों, एक विकेट है ड्रीम इलेवन में, एक मैच में था ये, और ये डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आसिफ लिमन पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, 17 मैच में 43 ओवर है T20 में, वन डे में भी डिसेंट है, पार्ट टाइम नहीं पार्ट टाइम से बेटर ही बॉलर है, तो फिलहाल ना मैंने अपनी टीम में आसिफ लिमन को भी ले लिया। इंपॉर्टेंट बात है कि आपको बैटिंग से भी थोड़े बहुत हिटिंग करते हुए दिखते हैं दोस्तों, कौन गाइस आसिफ लिमन, ठीक है। अगले ऑप्शन में कौन है यहाँ पे, शेख रॉबिन 29 T20 मैच में 52 ओवर, 11 विकेट, अभी के लिए मैं इग्नोर करूंगा, नंबर ऑफ ओवर्स एंड विकेट दोनों ही कम है। मुहिबुल हसन इसका भी मुझे कंपेयर टू रॉबिन मुझे बेटर लगा, अगर खेलता है दोस्तों ये 3-4 ओवर कर सकता है मुहिबुल, तो ट्राई करना है तो कर सकते हो। JCL डिवीजन 1 में दोस्तों इस टीम का टॉप परफॉर्मर कौन था, मोहम्मद आलमगीर 7 मैच में 205, बैटिंग से आशिक चौधरी उसके बाद था, दोनों ने रन बनाया अच्छा खासा, शिमुल उसके बाद, देखो यही तीन टॉप ऑर्डर के बैटर्स आपको मिलेंगे। और बॉलिंग में से अरमान भुयान, देखो आशिक चौधरी का नाम दोनों जगह पे है, आलमगीर दोस्तों यहाँ पे भी है, 7 मैच में 8 विकेट है, यहाँ पे भी आलमगीर, आशिक चौधरी भी आ चुके हैं, अबू हसनात आलम 3 मैच में 5 विकेट, और शिमुल यहाँ पे भी आ चुका है। तो मोटा मोटी दोस्तों आलमगीर, आशिक और शिमुल, ठीक है, मोटा मोटी मतलब लमसम दोस्तों यही आपको प्ले में सबसे ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं, तो इनको अपने टीम में रखूंगा। अरमान भुयान दोस्तों एज बॉलर प्ले में आ जाएंगे। डिफेंशियल अबू हसनात है यहाँ पे, 3 मैच 23 ओवर, 5 विकेट,
प्लस दोस्तों यहाँ पे भी हस्ताद मिलेंगे 3 मैच में 57 रन, तो दोस्तों ये भी एक अच्छा डिसेंट ऑप्शन हो गया। कौन दोस्तों? भैया आबू हस्नाद भैया, अपने टीम में भी रखना है इसको भी, ठीक है ना। तो अरमान आशिक, आलमगीर हस्नाद एंड शिमुल दोस्तों आपको टॉप परफॉर्मर दिखेंगे और मैं इनको रखूंगा, प्लस दोस्तों आसिफ लिमोन भी रखूंगा यहाँ पे। दोस्तों आसिफ लिमोन, माफ़ी चाहता हूँ गाइस, जो वॉइस है ना वो निकल नहीं रहा है, इतना हालत ख़राब हो गया, बट स्टिल मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ यार सपोर्ट करना। अरमन भुयान एंड आसिफ लिमोन एज बॉलर प्ले करेगा, नंबर ऑफ ओवर्स देखते हुए दोस्तों डिसेंट ऑप्शन मैंने रख लिया। बाकी ये जो चार प्लेयर है ना, ये चारों ऑलराउंडर है तो रख लेंगे, ठीक है। सेफ ऑप्शन हो चुका 6 प्लेयर, इन 6 प्लेयर को हमें अपनी टीम में रखना है, जो आपको बॉलिंग से भी पॉइंट देगा, प्लस इन 6 में से दोस्तों 4 प्लेयर आपको बैटिंग से भी पॉइंट देने वाला है, ठीक है ना। अब आता हूँ एमसी के प्लेयर्स की तरफ, ये दोस्तों एमसी, ठीक है, मैक्स है इसका नाम, क्या है, मैक्स क्लब, ठीक है। अब देखो इनसे ना तब नियामा ओपन कराएगा नियाजी के साथ, वन डाउन अरविंदा, फिर दिशा नायका, फिर थिमाला मोरिटा, ऐसा कुछ होगा बैटिंग ऑर्डर। अब ध्यान दो, इनके विकी में नवारत्ना हाईली सिलेक्टेड है, इसने T20 का एक्सपीरियंस है, प्लस डोमेस्टिक में भी T20 वगैरह खेला है, तो दोस्तों ये एक सेफ ऑप्शन होगा। फिलहाल दोस्तों मैं इन्हीं के साथ जाऊंगा जो हाईली सिलेक्टेड है, ठीक है। और फिर दोस्तों इनागोवा फिलहाल के लिए मैं इग्नोर करूंगा, बॉलिंग नहीं करेंगे, बॉलिंग पार्ट टाइम करते हैं वनडे में। मलिंदा दिशा नायका जनता का हाईली सिलेक्टेड, 8 मैच में वनडे में ना सिर्फ 85 रन है, 21 का एवरेज, क्योंकि ये बैटिंग नीचे करता है तो एवरेज ज़्यादा है, रन कम है। निपुण चतुरंगा 2 मैच में 7 रन, 5 ओवर कुछ नहीं है, प्रमोद हो गया कुछ, प्रबोध दिशा नायका, इसने वनडे में 1 ही मैच खेला, 32 रन, 4 ओवर, 1 विकेट, चाहो तो ग्रैंड लीग में यूज़ करो। मोकोटो तनियामा मेरा कैप्टन, इंटरनेशनल प्लेयर है, डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, 38 मैच में डोमेस्टिक T20 में 197 विकेट, 2400 रन है। इंटरनेशनल में खास नहीं है, क्योंकि देखो जापान ना इंटरनेशनल में उतना खास स्टेब्लिश टीम है नहीं। अनिफ नियाजी, इसने डोमेस्टिक खेला है, 96 मैच में 62 विकेट, 194 ओवर, 2000+ रन है। मसुदो मोरिता दोस्तों T20 में 107 मैच में 82 विकेट है, थोड़े बहुत रन कर लेते हैं, ठीक है, T20 वगैरह खेल चुका है, अंडर 19 का प्लेयर है। भीमसारा थिमाला 5 मैच 35 ओवर 6 विकेट, करिकू इबुसी 56 मैच में 65 विकेट, जनता इसको नहीं ले रहा है, बट मेरे हिसाब से एक बहुत शानदार चॉइस है ई बी सुई, अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है मैं ई बी सुई को जरूर रखूंगा। दिनेश संदूरन 40 मैच में 40 विकेट, ये भी T20 में रिसेंटली 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा दोस्तों दिनेश संदूरन। मेक ओगावा 70 मैच में 69 विकेट, 200 ओवर, देखो सब बॉलर नहीं खेलेगा, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड आपको दे रहा हूँ, वो बॉलर्स अगर खेलते हैं नंबर ऑफ बॉलर्स जिन ओवर जिनका ज़्यादा है ना, उनको अपने टीम में ट्राई करना है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मैच दोस्तों वीडियो जो देखेगा सिर्फ उसके लिए, ठीक है, विदाउट, क्योंकि मैं इस मैच का डेमो टीम नहीं दूंगा, मैं जो पहला मैच होगा मैं उसी का ही डेमो टीम सिर्फ दूंगा, बट हाँ स्टिल मैं बिलीव करता हूँ आप लोग वीडियो देख के खुद टीम क्रिएट करो, इससे आपका बेनिफिट होगा, मेरा नहीं। रहना तुमका 24 T20 मैच में 76 ओवर में 32 विकेट है, रख लेंगे। प्रभात संकल्पा, दोस्तों संकल्पा को दोस्तों ग्रैंड लीग में देखो बॉल फर्स्ट ट्राई कर सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब बॉलर एक साथ नहीं खेलेंगे, नंबर ऑफ ओवर्स देख लो, याद रखो, या फिर जब लाइनअप निकलेगा एक बार आके याद देना, इनके जो प्रमुख प्लेयर है करेंटली JCL जापान क्रिकेट लीग Division 1 में कैसा परफॉर्मेंस था, 2 बैट्समैन तमियामा हनीफ नियाजी अकेले रन बनाया 191 159, सेकेंड बेस्ट रन गेट, थर्ड बेस्ट रन गेटर का रन देखो 79 है, ऑलमोस्ट हाफ है, मतलब यही दो बंदा रन बनाएगा, तमियामा नियाजी, ठीक है, और बाकी का बैटिंग से इतना कुछ परफॉर्मेंस है। बॉलिंग से देखो भानुका का सबसे ज़्यादा 4 मैच में 10 विकेट रखना पड़ेगा, दिनेश संदरायन का दोस्तों उसके बाद है 4 मैच में 8 विकेट, 2 प्लेयर, तमियामा फिर से आ चुका है 5 मैच में 8 विकेट, मतलब एक कैप्टन चॉइस हो गया दोस्तों। भीमसरा 5 मैच में 6, हनीफ आ गया 4 मैच में 5 विकेट, बट इसने सिर्फ 11 ओवर डाला, मतलब ये थोड़े से बैटिंग ज़्यादा करते हैं बॉलिंग कम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया इनके रिकॉर्ड्स हम लोग का एनालिसिस कंप्लीट, यहाँ पे अभी हम लोग चलते हैं ड्रीम 11 टीम में। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरा प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट रहेगा, काइंडली आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक किया करो, ताकि जो मेरा मोटिवेशन है ना वो बना रहे। मोटिवेशन क्या है, अगर आप सपोर्ट कर रहे हो और लाइक कर रहे हो तो मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैच कवर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मैचेस देखो JCL का मैचेस में दिक्कत क्या है पता है, जापान का इतना एनालिसिस करूँ सेम टाइम में 2 टीम खेल रहा है, मेरा एक वीडियो कंप्लीट वेस्टेज जाएगा ये मुझे पता है, बट मैं क्यों वीडियो बनाया सच बताऊँ, मुझे बनाने का कोई मन नहीं था,
स्टिल मैं बना रहा हूँ क्योंकि एक ही रीज़न है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बोल दिया था, फर्स्ट वीडियो जब मैं बना रहा था तब मेरा तबीयत ठीक था, तो तब मैं बोल दिया था कि मैं दोनों वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ इस रीज़न से मैं दोनों वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बनाता, मनी नहीं था। बट स्टिल मैं चाहता हूँ जो बंदा वीडियो देखता है ध्यान से वो इस मैच में प्रॉफिट करे, और मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रॉफिट करेगा। ये अरविंद जो स्क्रीनशॉट आके मारेंगे ना उनको वो फंसेगा, इसको मैं नहीं लूँगा। दूसरा जो मैं विकी बताया जो इंटरनेशनल खेला, मैं उसको ही लूँगा अपनी टीम में जब मैं ड्रीम इलेवन में खुद ये मैच खेलने वाला हूँ, ठीक है। आर हसान शिमूल है बेस्ट चॉइस, मोनिटा हमारे पास, चौधरी हमारे पास, तमियामा कैप्टन रहेंगे, आलमगर वाइस कैप्टन है। आलमगीर ना थोड़े से बैटिंग से बेटर है, ठीक है, और आशिक चौधरी थोड़े से बॉलिंग से बेटर है, तो कैलिसी रोटेट करो। नियाजी हमारे पास है, संदुरायन है हमारे पास, लीमन है, भुइयान है, रनतुंगा है, लीमन के साथ रोटेशन करेंगे। ये मैं सिर्फ अभी रखा हूँ, आफ्टर टॉस मैं ये कॉल लूँगा, क्योंकि अगर ये टीम बॉलिंग फर्स्ट किया ना, ये वाला मैंने इनके कुछ बॉलर्स इंपॉर्टेंट बताए ना डिफेंशियल, उनको मैं ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। फिलहाल तो दोस्तों ये रहेगा मेरा कवरेज इस मैच का, बट डेफिनेटली ये मेरा फाइनल अपडेट नहीं है, जो मेरा फाइनल अपडेट होगा, जो मेरा डेमो टीम होगा दोस्तों, वो आपके साथ नहीं इस मैच का नहीं आगे वाला मैच का शेयर होगा टेलीग्राम पे, जुड़ना है आपको टेलीग्राम, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।